बहुत सारे ग्रुप में भी मैसेज आता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या मैं एलिजिबल हूं किसी जॉब के लिए। जब भी आप प्लेसमेंट में बैठते हो, जब कंपनी आपको थर्ड ईयर में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, अगर आप उस प्लेसमेंट में बैठते हो तो आप अपने आप को किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे बाकी स्टूडेंट से। आई नो कि आप डिप्लोमा होल्डर्स हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। आज मैं इस वीडियो में आपको इंटर्नशिप का इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ड्यूरिंग समर या समर ट्रेनिंग जो जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आप सब लोग चाहते होंगे कि मैं डिप्लोमा के बाद थ्री ईयर के बाद जॉब करना, कि मेरा किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए या मैं अपने दम पे जॉब सर्च कर लूँ, या दूसरा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे बीटेक करना है। ओके, अगर आप ये चाहते हो कि आपको तीन साल के बाद जॉब मिले, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। चाहे वो जैसे अभी समर ट्रेनिंग चल रहा है, समर चल रहा है, आपके एग्जाम के बाद लगभग दो से ढाई महीने का ब्रेक मिलता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समर इंटर्नशिप करते हैं जिसमें अलग अलग मॉड्यूल सीखते हैं। लाइक कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अगर आप AIML ब्रांच से हो या किसी भी डिप्लोमा स्ट्रीम से हो, तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू योर स्ट्रीम्स। अगर आपके स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसको आप करके और अपने अंदर स्किल एड ऑन कर सकते हो। आपको प्लेसमेंट में वही हेल्प करेगा और वही आपको प्लेसमेंट दिलाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स AIML के स्टूडेंट हो, तो आप जैसे वेबसाइट डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग है और डेटा एनालिटिक्स है, इस तरह के कोर्स आप कर सकते हो। और इस कोर्स को ढाई से तीन महीने में कंप्लीट करके एक तो आप स्किल भी अपने अंदर एड ऑन कर सकते हो, साथ ही साथ अपना पार्ट टाइम अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्रीलांस जैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो कोर्स के, आप डिप्लोमा कंटिन्यू करते हुए। तो ये है इस कोर्स का बेनिफिट। उसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट है कि जब भी आप प्लेसमेंट में बैठते हो, जब कंपनी आपको थर्ड ईयर में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, अगर आप उस प्लेसमेंट में बैठते हो तो आप अपने आप को किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे बाकी स्टूडेंट से। नॉर्मल आपके तरह सभी स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर का पेपर क्लियर कर रखा है, आप भी अगर वही पेपर क्लियर करके गए हो तो बाकी से अलग कैसे हो। बाकी से अलग करने के लिए आपको अपने अंदर एक अलग स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो बाकी को नहीं आता है। तो ये उसके लिए आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी लाके और जो भी टाइम मिलता है, जो भी आपके पास टाइम है, जैसे अगर समर इंटर्नशिप होता है और आप देखते हो कि समर इंटर्नशिप के नाम पे अगर गूगल पे सर्च करोगे समर इंटर्नशिप से, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो समर इंटर्नशिप कराती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में समर इंटर्नशिप के अंदर कोर्स मॉड्यूल ही ऐड होता है कि आपको 45 डेज का, 60 डेज का, 6 वीक का, इस तरह से ट्रेनिंग करके आना है और कॉलेज में उसका सबमिट करना है। अगर आपके कोर्स में ऐड ऑन है, दैट वेल एंड गुड। अगर आप में नहीं ऐड है, तो आप अपने बिहाफ पे, आपको इसका रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी। अगर अभी से इसके बारे में अवेयर नहीं होगे तो आगे चल के और दिक्कत होगी। आप देखते होगे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस या बहुत सारे ब्रांच के स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। देखते हो बहुत सारे ग्रुप में भी मैसेज आता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या मैं एलिजिबल हूँ किसी जॉब के लिए, मुझे क्या आता है, क्या मैं किसी कंपनी में जाके किसी कंपनी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप खुद को ही नहीं जवाब दे पा रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर स्किल डेवलप होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैं आपको बस यही चीज ओवरऑल कंक्लूड करके बताना चाह रहा हूं कि ये जो टाइम है समर इंटर्नशिप का, जो समर का टाइम है, इसमें आप लोग जरूर इंटर्नशिप करना, चाहे जहां से भी हो, कोई भी कोर्स मॉड्यूल हो आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके ब्रांच से रिलेटेड, आपके स्ट्रीम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी दो ढाई महीने तीन महीने का कोर्स हो, इस तरह से कर लेना, जिसके बेस पे आपका एक अलग से स्किल डेवलप हो जाए और जिसके बेस पे आप अर्न भी कर सको, और दूसरा आपको इजिली अच्छे कंपनी में, क्योंकि आपके पास एक डिप्लोमा का डिग्री रहेगा, डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट रहेगा, वो एक छोटी बात नहीं होती है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो वो एक आपको कहीं ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा, बट बिफोर दैट आपके पास स्किल होना चाहिए। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरह से इंटर्नशिप करना चाहते हो, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट कंप्लीट
इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है फॉर द कंप्यूटर साइंस, AIML, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के स्टूडेंट के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको खुद गाइड करूंगा कि आपको कौन सा कोर्स मॉड्यूल में जाना चाहिए, कौन से मॉड्यूल पे आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। बाकी हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर में है, दिल्ली में। आप जो भी स्टूडेंट चाहते हो अगर ऑफलाइन इंटर्नशिप करना, तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, एक बार उसके बारे में समझ सकते हो, फ्री डेमो ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप एक बार गूगल फॉर्म फिल करना, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।